The weightlifting award goes to आओ नमस्ते नमस्ते छोटू का है ना आया ना का हेलो पापा हेलो आइए आओ बेटी राधा चाय लेके आना छोटू तुमने चाय नहीं ली अरे चाय देंगे तो लूंगा ना क्या मतलब वो क्या है ना सर जी हमारे छोटू भैया को ठंडी चाय पीने की आदत है ठंडी चाय क्या मतलब इसका मतलब है सर मैं चाय ठंडी करके पीता हूँ हाँ 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 पियो पियो चाय पियो मेरी बेटी चाय बहुत अच्छा बनाती है पेड़ा भी अच्छा बनाती क्या मतलब अरे मेरा मतलब है सर वो पेड़ा भी अच्छा बनाती पिज्जा भी अच्छा बनाती ओके अच्छा अच्छा तुम दोनों चाय क्यों नहीं पी रहे सर वो यकांदा दोन बिस्कुट मिलेगा क्या सर है कर कर रे लोग हाँ हाँ जरूर जरूर अभी बेटा सोनू Can you remember this? कोई बुड्ढा भड़का रहा था नहीं इसको। क्या रे? खा गए? हाँ। चला लोग कहीं ले जाने के लायक नहीं। बिस्किट खत्म? हाँ सर। माला चाय के साथ बिस्कुट बहुत पसंद है सर अच्छा अच्छा मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी तुम्हें पसंद आई हो जी पापा तो फिर मुंह दिखाई के रस्म भी पूरी की जाए हाँ पापा देता हूँ ना वो तो मेरे पास है ना दादा लाना देना भी तो ये तेरी औरत का पैकेट तो घर पे रख के आना था आड़े ₹1 ₹2 ए छोटू तू क्या कर रहा है अरे देख बुला दी ना ओह नो ₹1 ₹2 तू क्या कर रहा है अरे रुकती ₹1 ₹2 ये 8-8 आने ये पैसे ये तो बंद हो गए कब गणित है वो ₹5 दे रहे सर इस
5 रुपए वो दिखाई। सवा 5 रुपए मुँह दिखाई? ये 5 रुपए नहीं है पापा, ये मेरी माँ के जज्बात है जिसने मरते मरते मेरे कान में बोली थी कि बेटे तू जब भी मेरे लिए बहू देखने जाएगा तो मुँह दिखाई ये 5 रुपए देना। मगर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पैदा होते से ही तुम्हारे माँ बाप परलोक सिधार गए थे। अरे तो पापा मैं जब पैदा हुआ था ना तभी मेरी माँ ने मेरे कान में बोलती थी। अच्छा, मगर तुम्हें वो बात कैसे याद रह गई? अरे मुझे अनाथ आश्रम वालों ने बताया था वो बात पापा। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। और सुनो, अगर तुम दोनों आपस में बात करना चाहते हो तो कर सकते हो। कौन दोनों पापा? मेरा मतलब है तुम और मेरी बेटी राधा। अगर तुम दोनों चाहो तो एक दूसरे को समझ लो, आपस में बात कर लो, और इसके लिए तुम्हें दिए जाते हैं 10 मिनट। ठीक है ना पापा, कोई बात नहीं। के साथ जाओ। क्या इतना शर्मा रहा है तू? अरे तो मैं पहले बार लड़की देखने आया ना। अरे कुछ बात तो कर। क्या बात करूं, शर्म आ रही ना? ओह शर्म आ रही, बाहर तो बहुत टाइट टाइट करते फिरता है तू। दे तू फिर मेरे टांग खींच रही है। अच्छा छोड़, एक बात पूछो तेरे से। हाँ पूछ। देख तू नाराज तो नहीं होगा ना? कैसा है, आगे पूरी जिंदगी हमें साथ बितानी है ना, सारी बातें क्लियर हो जाए तो अच्छा है, ठीक है ना? अरे नाराज तो महाराज लोग होते है, पूछना तुम क्या पूछने का। तुझे बर्तन धोना आता है ना? बर्तन धोते आते क्या? बर्तन तो तू धोएगी ना? अरे अगर मेरे हाथ दुखने लगे और मैं बर्तन नहीं धो पाई तो बर्तन धो लेगा ना? हाँ तो मेरे वो दो दोस्त है ना जंगल छोटे, उनसे धुला लेंगे बर्तन। और तुझे खाना बनाना आता है ना? पर खाना तो तू बनाएगी ना? अरे अगर मैं बीमार पड़ गई तो तू खाना बना लेगा ना? अरे तो तेरे ऐसा डब्बा मंगा लेगी ना सोनू को बोल के। और तू कपड़े तो धो लेता होगा ना? कपड़े कपड़े तो तू धोएगी ना? अरे अगर मेरे हाथ पे चोट लग गई और मैं कपड़े नहीं धो पाई तू कपड़े धो लेगा ना? हाँ तो तेरा बाप तो आ भेज देंगे ना कपड़े, काम वाली वही धो देंगे। अच्छा एक बात बता, शादी के बाद हनीमून मनाने हम कहाँ जाएंगे? ए खर्चा वाले काम बताई मत मेरे को। ओ मेरे घर के टेरिस पे मनाएंगे हनीमून अपन। क्या घर के टेरिस पे? हाँ मस्त तो टेरिस है मेरे घर का, मस्त तो अलग कलर मार दूंगा टेरिस पे, पलंग पे मच्छर दानी डाल दूंगा, बारीक बारीक कलर वाले लाइट लगा दूंगा। चल कंजूस, जब तूने मुंह दिखाई 5 रुपए दिया था ना तब समझ गई थी मैं कि तू मुझे कहीं नहीं लेके जाएगा। देख मेरे को गुस्सा मत दिला तू, और पैसे है मेरे पास। चल बोल कहाँ चली गई घूमने? अमेरिका चलती, बैंकॉक चलती, स्विट्जरलैंड चलती, इटली चलती, बोल कहाँ चली गई? बस मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे तो बस तेरी दिल में रहना है हमेशा के लिए। हेलो मिस्टर जोशी, बड़े ही नादान, बड़े ही बेवकूफ और निहायत ही ढीठ किस्म के इंसान हो आप। क्या मतलब है तुम्हारा, कौन हो तुम? जिसने आगे पीछे कभी ना सोचा, नाम है मेरा बाबू लोचा। तो तुम हो बाबू लोचा? मेरे इतना समझाने के बाद भी नहीं समझे ना आप? तुम जैसे बदमाश की बात मानकर मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, छोटू बहुत अच्छा लड़का है। एक मिनट इधर आइए, आप एक नंबर के बेवकूफ, कम अकले, नादान और निहायत ही उल्लू के पट्टे हो।
क्या बकवास कर रहे हो? ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये सारे शुभ नाम आपको आपके होने वाले दामाद छोटू दादा ने दे रखे हैं। छोटू? हाँ। क्या लगा के रखा है तूने? जिसने आगे पीछे कभी ना सोचा। ना मैं तेरा बाबू लोचा। वो छोड़ आगे बोल। ए, माजा कड़े। सर्वा चिकनची कुंडली है। आगे बोल साले। अभी तो तेरा डायलॉग मार रहा। अभी हम सब मिलके तेरे को मारेंगे। पकड़ा रे साले को। कमीना पहलका, उसकी हिम्मत कैसे है मुझसे इस तरह बात करने की? शहर में मेरी इतनी इज्जत है हा? और वो दो कौड़ी का गुंडा मेरा रास्ता रोकता है? क्या हुआ पापा, किसने रास्ता रोका? ये लो, पूरे सोले बिलीम खत्म हो गए। और ये पूछ रही गब्बर सिंह कौन था? दीदी, तुम्हारी कहानी का एक ही तो विलन है, उसका नाम है बाबू लोचा। आज उसने पापा का रास्ता रोक लिया था। क्या? हाँ, मगर आज छोटू ने उसकी इतनी धुलाई की ना कि वो जिंदगी में फिर कभी परेशान नहीं करेगा। मगर ये बाबू लोचा तुम्हें जानता कैसे है राधा? पापा, पुणे में जब मैं पढ़ाई करती थी ना, तो गलती से मैं उससे टकरा गई थी। तब उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया था। नहीं, अब तुम दोनों को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। छोटू, तुम किसी पंडित से मिलकर तुम्हारी कुंडली लेकर आओ। मैं तुम्हारी और राधा की कुंडली मिलाकर तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकालना चाहता हूँ। ठीक है पापा।